Hi everyone, welcome to Unacademy. I hope everyone is doing good. So welcome, and my name is Smriti. I'm your science educator. I hope you have already subscribed to this channel for all the updates. And this is my little introduction. I've done my master's from Jamia Hamdard, master's in chemistry, and my bachelor's in physics and chemistry. And I have a lot of experience from 6 to 12 classes. And now I'm here for all of you. And let's go on. And aaj hum padhne wale hain chapter number 3. We have already done chapter number 1 and 2, and now we are here with the chapter number 3, that is fiber to fabric. Now something that I want to talk about is we have already discussed this in class 6, and we have done this chapter there, fiber to fabric, in detail, right? So up 7th May, for all the 7 students, we are going further, and all topics अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? So let's see कि क्या क्या टॉपिक्स हैं. So what is basically fiber? अगर आप भूल चुके हैं तो उसकी डेफिनेशन हम जरूर करेंगे, don't worry. And types of fibers क्या थे हमारे, plant fibers और animal fibers में बहुत focus है इस चैप्टर में इस बार. So animal fibers में wool का क्या production है, क्या process है, हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? And later we'll discuss about your सेरी कल्चर, ठीक है? दैट इज योर सिल्क फॉर्म का, हम कैसे सिल्क को ऑब्टेन करते हैं. सो इस पे ज़्यादा फोकस है आपका चैप्टर का फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स. क्लास 6 में यू हैव ऑलरेडी डन बेसिक जो चीज़ें थी, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन 6. अब 7th में वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. सो व्हेन आई टॉक अबाउट फाइबर्स, यू नो, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है लॉट ऑफ क्लोथ्स, ठीक है? मैं जब भी शॉपिंग जाती हूँ इतनी सारी वेराइटी मिलती है, एंड वी आर यू नो वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी कलर्स. ये भी है ऑप्शन में, ये भी है ना. जब भी हम शॉपिंग में देखते तो हमें एक चीज़ पसंद आती है तो हम कहते हैं कि इसमें कोई और कलर अवेलेबल है कि नहीं, राइट? तो बेसिकली क्या प्रोसेस है वो हम सब देख चुके हैं अपने 6 क्लास में. अब हम 7th में थोड़ा डिटेल में जाएंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर फाइबर्स. द फाइबर्स आर द मटीरियल्स विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन कंटिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स स्पन इनटू यार्न एंड मेड इनटू फैब्रिक्स. बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डन दिस कि भाई सबसे पहले होता है आपका फाइबर. दीज आर योर थिन स्ट्रैंड्स, दीज आर योर थिन स्ट्रैंड्स, बिल्कुल पतले फाइबर्स, बिल्कुल थिन, राइट? उसके बाद हम जाते हैं उनको ट्विस्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 फाइबर्स को ट्विस्ट करके वी मेक अ यार्न, वी मेक अ यार्न. थोड़ा सा थिक होगा ये अब, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल फैब्रिक फ्रॉम द यार्न. अब हमें तो बेसिकली फैब्रिक चाहिए, तो वो फैब्रिक आया कहाँ से, यार्न के बाद. तो जब हम एटलीस्ट 2 यार्न्स को लेके ट्विस्ट करते हैं, अगेन वी गेट योर फैब्रिक. ओके, सो बेसिकली ये प्रोसेस था आपका फाइबर से यार्न, फिर आपका फैब्रिक बनता है, ठीक है? फिर हम उसको डाई करते हैं अलग अलग कलर्स में, देन वी गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अभी, ठीक है? पहले क्या होता था, पहले तो हमें अगर नॉर्मल फैब्रिक भी होता था वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, लाइक कोकोनट का फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक, एक चीज़ होती थी, उसमें इतनी वैरायटी नहीं आया करती थी, इतने पैटर्न्स नहीं आया करते थे. अब क्या हो रहा है, इतने सारे पैटर्न्स हैं, इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे कलर्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई जा चुकी है. सो लेट्स सी, टेक्नोलॉजी के तरफ जाने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या. ओके, सो लेट्स गो. एंड टाइप्स ऑफ योर फाइबर्स. ओके, सो 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक जो हम खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, वो वाले फाइबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं पहनने वाले फाइबर्स की. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स? ओके, सबसे पहले जो फाइबर्स की बात होती है, दे आर 2 काइंड. सबसे पहले जो दिमाग में आता है, दे आर 2 काइंड, नेचुरल या तो सिंथेटिक. मैम, या तो नेचुरल हो सकती है या तो मैन मेड हो सकता है, राइट? सो फाइबर्स सिर्फ 2 ही काइंड के होते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात, नेचुरल एंड सिंथेटिक. अब सिंथेटिक की अगर मैं बात करती हूँ तो सिंथेटिक आ जाता है आपका मैन मेड. अब वो कहते हैं ना कि जैसे कि कोई चीज़ हमें नेचर से मिलती है तो हम उसे मैन मेड बनाने की पूरी कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों है मैम? ऐसा इसलिए है क्योंकि इफ़ वी फाइंड समथिंग इम्पॉर्टेंट, अगर हमें उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ अच्छी लग रही हैं, सो वी ऑलवेज ट्राई टू मॉडिफाई इट. हम हमेशा उसको इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो हम उसे मैन मेड ज़रूर बनाएंगे थ्रू योर केमिकल्स, ठीक है? थ्रू योर केमिकल्स. अब मैन मेड है तो केमिकल्स के थ्रू ही बनेगा, नेचर से तो हम लेके नहीं आएंगे, राइट? सो फाइबर्स में जो 2 कैटेगरी आपको दिख रही है, नेचुरल एंड योर सिंथेटिक, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि सिंथेटिक में ये है
कि मैन मेड होता है वो, और उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ और सब कुछ बढ़ाई जाती है क्योंकि हम बना रहे हैं उसे, ठीक है। अब नेचर से तो हमें जैसा मिलता है हम वैसे ही ले लेते हैं, उसी का प्रोडक्शन हम कर लेते हैं, राइट। तो दे आर टू काइंड्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। एंड मोस्टली जब हम सिंथेटिक बनाते हैं तो हम प्रॉपर्टीज नेचुरल जो नेचर से आया है उसी को देख के बनाते हैं, ठीक है। सो नेचुरल की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी टू काइंड्स, प्लांट और एनिमल, दो सोर्सेज होते हैं हमारे। दीज आर योर सोर्सेज फॉर द नेचुरल फाइबर्स, ओके। दो सोर्सेज हैं हमारे, योर प्लांट एंड योर एनिमल। तो वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन एनिमल फाइबर्स क्योंकि प्लांट्स का हमने काफ़ी बार 6 में डिस्कस कर लिया है। सो लेट्स मूव ऑन और आगे देखते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक की क्या डेफिनेशंस हो सकती है मैम। नेचुरल फाइबर्स की हो सकती है कि दीज फाइबर्स आर लाइक आई सेड नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। अब नेचर में कौन आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यस, एक सोर्स हो सकता है आपका प्लांट और एक सोर्स हो सकता है आपका एनिमल्स, ठीक है। सो कॉटन एंड जूट आर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, एंड सिल्क और वूल आपके एनिमल में आता है। कॉटन एंड जूट आर समथिंग जो आपको प्लांट से मिल रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, एंड सिल्क और वूल ऐसी चीज है जो हम खुद उनको क्या कर रहे हैं, एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो ये है आपका एनिमल का एग्जाम्पल और वो दो है आपके प्लांट के एग्जाम्पल। लेट मी हाईलाइट दैट, कॉटन एंड योर जूट इज फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स एंड सिल्क एंड वूल आर फ्रॉम द एनिमल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। सो सिंथेटिक फाइबर्स की क्या बात होती है, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि मैंने बोला मैन मेड होंगे। सो दीज फाइबर्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज बाई ह्यूमंस विद इन द इंडस्ट्री बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल केमिकल्स। बेसिकली के प्योर केमिकल्स ही यूज करा जा रहा है, कुछ और यूज करा जा रहा है, वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स अलग अलग टाइप के बनते हैं, लाइक नायलॉन, रेयन, देन एक्राइलिक, पॉलीएस्टर्स, लाइक ये पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, इट्स पॉली, इट्स इथीन पॉली, दैट मीन्स कि मल्टीपल टाइम्स इथीन को रिपीट करा गया है पॉली बनाने के लिए। पॉली मीन्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पॉली एस्टर लिखा है तो दैट मीन्स एस्टर को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करा होगा, एस्टर 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 एस्टर। तो जब नंबर नहीं हम कैलकुलेट कर पाते हैं उसे कहते हैं पॉली, ठीक है। अगर वन होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, ऐसी अगर एन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करा जा रहा है किसी चीज को, हम कहते हैं उसे पॉली, राइट। सो पॉलीएस्टर होगा आपका, पॉलीएस्टर विल बी लाइक एस्टर को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके एक यूनिट बनाई गई है, दैट इज पॉलीएस्टर। काफी स्वीट स्मेलिंग होता है आपका एस्टर, ठीक है। सो पॉलीएस्टर भी आपका सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है, ओके। सो दीज आर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स, अरे कुछ एग्जाम्पल्स थे, और ये है आपका डिफ्रेंशिएशन। अगर आता है कभी डिफ्रेंशिएट करने को कि वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, सो आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, जरूर नोट इट डाउन। अब प्लांट फाइबर्स के बारे में आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि प्लांट फाइबर्स के अंडर जो हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था, दैट वाज कॉटन, वूल, जूट, इनके बारे में वी हैव ऑलरेडी डन इट। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। प्लांट फाइबर्स में आपका वुड से भी आ सकता है, स्टेम, लीव, सीड, ग्रास। दैट मीन्स कि जब आप प्लांट के पार्ट की बात कर रहे हो तो कौन से पार्ट की बात कर रहे हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट कॉटन तो कौन सा कहाँ से आ रहा है, स्टेम की बात कर रहे हो तो कौन सा स्टेम से आता है, लीव की बात कर रहे हो तो कहाँ से आ रहा है, सीड की बात करें तो कौन सा वाला निकल रहा है। सो लेट मी जस्ट टेल यू, सीड्स का आपका आ रहा है कॉटन एंड कोकोनट। तो जो सीड वाली फॉर्म है, जो सीड वाला पार्ट है आपका प्लांट का, वो कौन से आपके फाइबर में दिखता है, जब हम कोकोनट का निकालते हैं और जब हम कॉटन का निकालते हैं तो कौन सा पार्ट निकालते हैं, सीड वाला, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेम, तो स्टेम वाला पार्ट कौन सा है, आपका जूट। सबसे मेजर एग्जाम्पल है जूट, जो कि स्टेम पार्ट होता है प्लांट का, उससे निकलता है, ठीक है। एंड देन वी हैव वुड, तो सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड एंड बैम्बू राइज, वो ग्रास की फॉर्म में होता है आपका, राइट, सबसे लंबी ग्रास जो है आपकी। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है। ठीक है, ये चार्ट हमें समझ आ गया, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉटन, गर्मियां चल रही हैं, वी ऑल नो कि कॉटन तो हम पक्का चूज करते हैं गर्मियों के लिए, बिकॉज वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है आराम से, राइट, ठीक है, एंड फुल ट्रांसपिरेशन उससे हो पाती है, ओके। द थिंग इज, इट इज लाइट, काफ़ी लाइट एंड काफ़ी सॉफ्ट होता है हमारे लिए समर में पहनने के लिए, ठीक है, काफ़ी लाइट आपका फाइबर होता है, योर फैब्रिक एक्चुअली, ठीक है। सो ये जो आप कॉटन यहाँ पर दिख रही है, इट सीम्स लाइक बॉल, जैसे कि कोई बॉल नहीं होती कॉटन की, इतनी बड़ी सी बॉल, जैसे कि हम कई बार यूज़ भी करते हैं सेपरेट कॉटन अपने घरों में फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ऑफकोर्स फॉर फर्स्ट एड, राइट, हमेशा कॉटन दिखती है वहाँ पर ऐसे बॉल की तरह। सो यहाँ पे एक बॉल की तरह दिख रही है, बट आई कैन सी कि अभी निकाली नहीं गई है ना। तो ये हम देखते हैं कि कॉटन का क्या है क्या नहीं, लेट मी इरेज दिस।
So as you can see here, cotton is the most important industrial crop. That is true actually. काफी important fabric है हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा use हम summer में इसी को करते हैं. Next है आपका cotton has been used in India since 1800 BC. पता नहीं कब से है आपका cotton India में. ये अभी introduce हुआ नहीं, बहुत बहुत पहले से है. Like it is said 1800 BC. ठीक है. Next है आपका production कहाँ पर होती है. Cotton is grown in Maharashtra, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश. ठीक है, दीज आर द रीजन्स जहाँ पर आपका कॉटन का प्रोडक्शन चल रहा है. ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइक अ क्रॉप. ठीक है, पूरा क्रॉप है कॉटन का. और ये कहाँ कहाँ ग्रो करी जा रही है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. ओके, लेट्स मूव ऑन. ये तो सिर्फ एक बेसिक सी चीजें थी कॉटन के बारे में, कि कौन कौन से फैक्ट्स है कॉटन के. ठीक है, क्लाइमेट रिक्वायर्ड. कॉटन प्लांट्स नीड वार्म. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्लाइमेट चाहिए होता है कॉटन प्लांट्स को, वो काफी वार्म होना चाहिए. ये बात ध्यान रखने की, चाहे मैं जूट की बात करूं, मैं कोई से भी प्लांट फाइबर की बात करूं, वहां पर दो चीजें आती हैं. सबसे पहले लोकेशन, कि कहाँ पर पाए जाते हैं, और दूसरी चीज है आपकी कि किस क्लाइमेट में उगते हैं, किस क्लाइमेट में उगते हैं. सो आपका कॉटन किस क्लाइमेट में उग रहा है, वार्म क्लाइमेट. ठीक है, हल्का सा गर्म, वहां पर आपका कॉटन उगना शुरू होता है. तो ये क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स है किसकी, आपकी कॉटन की. नाउ लेट्स मूव ऑन और जरा डिटेल में बात करते हैं कॉटन के बारे में. ओके, एज यू कैन सी बहुत सारी कॉटन बॉल्स दिख रही हैं यहाँ पर. ठीक है, मेरे पीछे बहुत सारी कॉटन बॉल्स दिख रही हैं आपको. तो ये ऐसी सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सीड पार्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द सीड पार्ट. ओके, so cotton is obtained from the cotton balls and which are taken directly from the surface of the cotton seeds. now basically what is happening is यहाँ पर आपको cotton की ball दिख रही है, तो seed part ठीक है समझ आ गया हमें, तो हमें निकालनी तो है, वरना fibers कहाँ से लेके आएंगे. सबसे पहला part क्या होता है, fibers, yarn और fabric. तो हमें cotton का जो starting का fiber चाहिए वो निकालना तो है ही हमें, तो हमें ball तो separate करनी पड़ेगी. सो इट इज ग्रोन इन द ब्लैक क्ले सॉइल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लैक क्ले सॉइल में उगता है विद वार्म क्लाइमेट ऑफ कोर्स. एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द कॉटन इन्वॉल्व्स गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग. इसके बारे में आपको बताती हूँ. गिनिंग तो अभी बताऊंगी मैं आपको गिनिंग क्या होता है, बट स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग आर द प्रोसेस फ्रॉम गोइंग फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, स्पिनिंग होता है जब हम यार्न बनाते हैं, और वीविंग एंड निटिंग आर द टू प्रोसेस फॉर द फैब्रिक, फैब्रिक बनाने. ठीक है, तो ये प्रोसेस की बात मैं आपको जाने से पहले जरूर बताऊंगी, जो हम ऑलरेडी 6 में कवर कर चुके हैं, बट आई विल रिपीट दैट, डोंट वरी. ठीक है, बट मेन पॉइंट पे आते हैं, दीज आर द कॉटन सीड्स. अब इसको फाइबर्स में कैसे सेपरेट करा जाए, गिनिंग प्रोसेस से. ठीक है, सो गिनिंग प्रोसेस से क्या होता है, कि गिनिंग प्रोसेस में ये चीज होती है कि ये है सिर्फ और सिर्फ आपके कॉटन के लिए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस मैन इज एक्चुअली सेपरेटिंग ऑल द फाइबर्स. जो भी फाइबर्स है कॉटन के, उनको जो मिले हैं वो सेपरेट कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं अलग अलग. तो बेसिकली वो करना क्या चाह रहे हैं, जो भी आपको कॉटन सीधे क्रॉप फील्ड से आया है, अब वो साफ सुथरा तो होगा नहीं, उसमें थोड़ा सा लिंट, थोड़ा सा सीड्स के कुछ पार्ट्स या कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें मिले हुए होंगे, राइट, एंड थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, है ना. तो वट वी आर डूइंग इज कि वी आर रिमूविंग द मॉइस्चर. We are removing the moisture and all the particles that we don't need. ठीक है, सो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी सब है, और जो भी पानी वानी है उसमें, उसको सुखा के अच्छे से सेपरेट करके, क्लीन करके, वी आर डूइंग दिस गिनिंग प्रोसेस. तो ये जो गिनिंग प्रोसेस है वो काम क्या कर रहा है, वो कॉटन फाइबर निकालने का काम कर रहा है, साफ सुथरा. ठीक है, सो द प्लांट फ्रॉम विच कॉटन इज पिक्ड कंटेन सीड्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड्स. बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी गिनिंग की, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड्स from the cotton fibers is the your ginning process. ठीक है, removing the seeds. Removing the seeds from the cotton pads जो आपको मिले हैं बहुत सारे, उनसे seeds निकालना और जो भी extra चीजें हैं. ठीक है, now ginning can be done using hands or by machine. Of course, अगर बहुत ज्यादा production है, बहुत ज्यादा amount है, we will use machines. Of course. ठीक है, हाथ से हम इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हाथ से हम मे भी छोटा अमाउंट कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके सुखा सकते हैं, बट नॉट जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो. ठीक है, देन वी हैव टू यूज अ मशीन. ओके, एंड जस्ट रिमाइंडिंग एवरीवन,
सबसे पहले मॉइस्चर हटाया, ड्राई करा है, ड्रायर में जाता है सबसे पहले वो, एंड देन उसको क्लीन करा जाता है क्लीनर से, ठीक है? ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉटन फैब्रिक. फैब्रिक पे आ चुके हैं, सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इट इज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, ठीक है? सो कॉटन सबसे पहले आपने गिनिंग प्रोसेस किया, फील्ड से निकाला, उसको सेपरेट किया, मॉइस्चर सुखाया उसका, फिर सीड वगैरह अलग करी, ठीक है? फिर हमने क्या किया है, एज यू कैन सी टू फॉर्म द बेल्स. व्हाट इज बेल्स? जो गिन कॉटन है, जो साफ सुथरा कॉटन है, उसको बंडल में पैक तो करना ही है, तो जो बंडल होता है कॉटन का उसे हम कहते हैं बेल्स, उसे हम कहते हैं बेल्स, ठीक है? कॉटन बेल्स, अच्छा, दैट इज BALES. नाउ द कॉटन बेल्स आर लूजन एंड क्लीन, दिस प्रोसेस कॉल्ड कार्डिंग. अब हो क्या रहा है कि कॉटन के जो बंडल्स है उसमें से सेपरेट तो करना है फाइबर्स को, तो उसको सेपरेट और क्लीन करना है वापस से, इट इज नोन एज कार्डिंग, ठीक है? एंड द कॉटन फाइबर्स आर देन कन्वर्ट इनटू रोप लाइक लूज स्ट्रैंड, दिस प्रोसेस कॉल्ड, ऑफ कोर्स फिर स्पिनिंग होगी, यार्न में कन्वर्ट होगा वो, एंड देन फैब्रिक. फिर तो आपको प्रोसेस पता ही, ऊपर फाइबर से फैब्रिक जाने में स्पिनिंग इज फॉर द यार्न, ट्विस्ट करना दो फाइबर्स को, दिस इज वन फाइबर, इसको ट्विस्ट करके एक मोटा सा थ्रेड बनाना इज यार्न, दैट इज यार्न. सो फाइबर से गया यार्न, दैट प्रोसेस इज स्पिनिंग, उसको कहते हैं हम स्पिनिंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पिनिंग. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में हो रहा है आपका आपका वीविंग एंड निटिंग हो सकता है, ठीक है? लेट मी जस्ट टेल यू, एक स्क्रीन में मैं दिखा देती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको. ओके, सो एज यू कैन सी, सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी कि फाइबर से यू आर गोइंग टू यार्न, एंड देन यूर एक्चुअली जस्ट ट्विस्टिंग इट, फाइबर्स को ट्विस्ट करो, यार्न्स को ट्विस्ट करो टू मेक फैब्रिक, ऐसे हो रहा है, ठीक है? बस मेथड क्या है ट्विस्ट करने का. सो फाइबर से जब यार्न जा रही हूं मैं, तो आई एम डूइंग स्पिनिंग, और जब मैं यार्न से फैब्रिक की तरफ जा रही हूं, देन आई एम डूइंग व्हाट, एक प्रोसेस है वीविंग और एक है निटिंग, ठीक है? So these are the process to convert the yarn to fabric, ठीक है? जो main fabric हमारा होता है, then of course उसकी पूरी tailoring होती है, सब कुछ होता है, then we get the specific shape and everything, ठीक है? So spinning, weaving and knitting. Coming to the topic, this is done. Now second plant fiber, that will be jute, जो कि एक natural fiber है. Retting process की मैं बात करूँ, तो we all know कि जो plants है they cut, इसमें jute में आपको short में बताती हूँ क्या है, ठीक है? जूट में क्या है, रेटिंग प्रोसेस कहते हैं, जैसे कॉटन का था आपका गिनिंग प्रोसेस, जैसे जूट का है आपका रेटिंग प्रोसेस, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द जूट, ठीक है? ओके, सो द प्लांट्स आर कट टू द ग्राउंड, स्टेम पार्ट था इसका, कौन सा पार्ट था, स्टेम पार्ट हम काट देते हैं प्लांट का, एंड उसको बंडल्स में बांध देते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है? देन 2-3 हफ्ता जो रेटिंग प्रोसेस है आपका, 2-3 हफ्ता उसको पानी के अंदर डुबा के रखते हैं, ताकि जो फाइबर्स हैं वो थोड़े लूज हो जाए. जब आप पानी में डुबा के रखते हो किसी चीज को, किसी फाइबर को, तो थोड़े ढीले होने लगते हैं, तो यही रीजन है 2-3 हफ्ता रखने का पानी के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, हाई टेम्परेचर वाटर में उसको थोड़ा गर्म पानी में रखेंगे ताकि और लूज हो सके. उसके बाद जैसे वो लूज होने लगता है, उसको हम सेपरेट करते हैं और देन हम उसे यूज करते हैं जूट को, जैसे भी हमें उसको चाहिए होता है. जूट का जो भी आपको वीविंग निटिंग करनी है उसके बाद हम करते हैं. बट जो प्रोसेस है रेटिंग का, दैट इज ओनली कि हम फाइबर्स को पानी के अंदर सोख के रखते हैं ताकि वो ढीला हो जाए, दैट इज योर रेटिंग प्रोसेस, ठीक है? ओके, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज एनिमल फाइबर. नाउ प्लांट का तो देख लिया, कॉटन एंड जूट का, नाउ वी कमिंग एट एनिमल फाइबर. अब एनिमल फाइबर में क्या होगा, आपका सबसे फेमस है वूल. अब वूल के बहुत सारे प्रोडक्शन है, चाहे वो इस सोर्स से आया हो याक से, चाहे वो शीप से आया हो, गोट से आया हो, कैमल से आया हो, या अल्पाका से आया हो, दैट आर ऑल द सोर्सेज ऑफ योर वूल. एक सोर्स नहीं होता. आई नो कि सबसे कॉमन कौन सा है आपका, शीप. सबसे पहले दिमाग में कौन सा आता है, शीप है मैम. वूल का प्रोडक्शन तो शीप से ही होता है, राइट? सो यस, ऑफ कोर्स होता है, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा शीप ही है जो एनिमल, सबसे ज्यादा जो वूल का हमारा प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम शीप. बट ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ शीप ही रहेगी, और भी चीज है, जैसे अल्पाका, कैमल, गोट एंड याक, ऑल आर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर एनिमल फाइबर्स, स्पेशली फॉर द वूल. ओके, अब हम सबको पता है वूल हम समर में तो यूज नहीं करते, बट वी यूज इट इन विंटर सीजन,
ठीक, काफी ज्यादा हमारी जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जाने देता एंड हमें ठंड नहीं लगती फिर, राइट। सो लेट्स सी कि क्या है इसमें वूल। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। वूल कम्स फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप, गोट, जो हमने अभी देखा, एंड द वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। नाउ यू मस्ट हैव सीन इफ आई टॉक अबाउट द शीप, शीप की बॉडी में क्या होता है ना, शीप की बॉडी में आपका जो उसकी बॉडी है उसकी काफी थिक हेयर की लेयर होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो शीप है ना उसे काफी थिक हेयर होते हैं, लाइक इतनी मोटी लेयर होती है बालों, राइट। तो जब हम उनको आपकी रेयरिंग कराते हैं, शेयरिंग कराते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज वो थिक लेयर ही कटती है, ठीक है। सो द हेयर विच गिव्स द वूल कीप्स देम वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर इफ आई टॉकिंग अबाउट याक, कैमल, शीप और गोट, ठीक है, वो विंटर सीजन में उन्हें हेल्प करती है कि वो गर्म रहे, उनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं ताकि वो गर्म रह सके, ठीक है। सो द हेयर वूल ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स ट्रैप अ लॉट ऑफ हीट। नाउ व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, होता क्या है, दे ट्रैप द एयर बिटवीन, मतलब जो वूल्स में जो स्पेसेस होंगी उसमें हवा आपकी ट्रैप हो जाती है, ठीक है। जो वूल्स हैं, होता क्या है, आपके जो वूल है उनकी जो वूल है उनकी जो बीच में स्पेस है उसमें हवा ट्रैप हो जाती है। And we all know कि हवा इज एक्चुअली अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो होता क्या है कि जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा तो जो उनकी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जाती, वो क्या करते हैं, वो बाहर नहीं जाती, ठीक है। सो एयर स्पेस इज बिटवीन द वूल फाइबर्स ट्रैप एयर एंड दे एक्चुअली एक्ट एज द इंसुलेटर फॉर द हीट। सो वट हैपन्स इज कि जो भी उनकी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जाती और वो थोड़ा सा वार्म अपने आप को रख पाते हैं, ठीक है। दिस इज द साइन, दिस इज द साइंस बिहाइंड द वूल, ठीक है। जो वूल फाइबर हम कहते हैं यूज करते हैं कि ये हमें विंटर सीजन में गर्म रखने के हेल्प करेगा, इसी वजह से होता है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू काइंड ऑफ फाइबर वूल, ठीक है। वूल के लिए दो काइंड ऑफ फाइबर कैसे हो सकते हैं मैम, लेट्स सी कि दो काइंड ऑफ हेयर कौन से होंगे। द हेयर क्लोज टू अवर स्किन, नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जो स्किन में हमारे बाल होते हैं या जो हमारे यहाँ के बाल हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, रफनेस है हल्का सा, बट अगर हम स्किन के बाल देखें तो वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, राइट। सो दो काइंड ऑफ हेयर आर देयर, द कोर्स बियर्ड हेयर, जो बियर्ड हेयर या यू कैन से दिस हेयर, दे आर काइंड ऑफ रफ, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फाइन सॉफ्ट हेयर, जो भी स्किन के ऊपर होते हैं वो काफी फाइन होते हैं, राइट। सो द हेयर क्लोज टू आवर स्किन और हेयर ऑन आवर बॉडी आर्म्स आर क्वाइट सॉफ्ट, ठीक है। एंड द हेयर ऑन द हेड इज द कोर्स हेयर, इज द कोर्स हेयर एंड दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट। मैं नहीं कहूँगी स्मूथ नहीं होते हमारे बाल, दे आर स्मूथ, बट इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू कंपेयर इट विद द स्किन वाला बाल, दैट विल बी मच सॉफ्टर, ठीक है। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब हमें वूल का प्रोडक्शन चाहिए, हम क्या करते हैं सिलेक्टिव पेरेंट्स को, शीप, अगर मैं शीप की बात करी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शीप, तो सिलेक्टिव पेरेंट्स की बात करी जाती है, सिलेक्टिव पेरेंट्स लिए जाते हैं ताकि उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा आगे जाके उनके क्वालिटी वाले बाल आ सके, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग, जो उनके उनके जो बच्चे होंगे, सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें हमारा हाथ है, हम सिलेक्ट करें पेरेंट्स को ताकि ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी वाले बाल आ सके, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। हमने खुद सिलेक्ट करें पेरेंट्स और उन्हीं के ऑफस्प्रिंग से वूल निकाला जाएगा। सच शीप गिव नॉट ओनली बेटर क्वालिटी ऑफ वूल बट द यील्ड पर शीप इज आल्सो हायर। एक तो उन्हें यील्ड भी बहुत मिलती है, दैट मींस द अमाउंट ऑफ वूल बहुत ज्यादा मिलता है, यील्ड मतलब अमाउंट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब ऐसे एनिमल्स जिनको मैंने बात करा उनके अलग अलग आपके सोर्सेज लिखे हुए हैं, लेट्स सी वो भी देख लेते हैं। सो बेसिकली एनिमल्स दैट ईट वूल में हमने देखा था याक फ्रॉम तिब्बत एंड लद्दाख में आपको दिखेंगे, अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स इन हिली रीजन जैसे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, देन वी हैव अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज क्वाइट सॉफ्ट, आपने देखा होगा कश्मीरी शॉल्स पश्मीना जो हम कहते हैं वो वहीं के गोट से पाई जाती है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, मेरे पास भी है। एंड द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज यूज फॉर द वूल, जो कैमल की तरफ से आता है, एंड लामा एंड अल्पाका इज फाउंड इन द साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो यील्डिंग द वूल, ठीक है। तो कैमल एंड अल्पाका वगैरह जो बाहर से पाए जाते हैं वो भी वूल की तरह ही यूज करे जाते हैं, ठीक है। ओके, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं,
फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. नाउ लेट्स जस्ट गेट इन टू डिटेल्स और फाइनली टॉपिक है क्या और स्टेप्स क्या है. तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग हमारा काम होता है शीप के लिए. एंड द रेयरिंग ऑफ द शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाई प्रोवाइडिंग दैम फूड. नाउ वी वॉन्ट द वूल फ्रॉम दैम, वी हैव टू टेक केयर ऑल्सो. ठीक है, सो उनको खाना पानी शेल्टर सब कुछ दिया जाता है जिसका नाम दिया जाता है ब्रीडिंग. बेसिकली वी आर डूइंग द ब्रीडिंग रेयरिंग और यू कैन से ठीक है वी आर डूइंग द रेयरिंग ऑफ द शीप. हम उनको खाना दे रहे हैं, हम उन्हें शेल्टर दे रहे हैं, हम उन्हें सब दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द क्वालिटी वूल फ्रॉम दैम. इतना तो बनता है राइट. एंड जो शीप को देखते हैं उन्हें हम कहते हैं रेयरर्स या शेपर्ड्स. जो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है दैट इज शेपर्ड्स. जो लुक आफ्टर करते शीप के शीप के लिए दैट दे आर नोन एज शेपर्ड्स. ठीक है, शीप आर हर्बीवोरस. वी ऑल नो कि हर्बीवोरस कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस कौन होते हैं. हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ ग्रास और प्लांट्स खाते हैं. ओमनीवोरस होते हैं जो दोनों खाते हैं, ग्रास और मीट भी. और कार्निवोरस होते हैं जो मीट खाते हैं सिर्फ. तो आपकी शीप किसके अंडर आती है, हर्बीवोरस. उन्हें चाहिए होता है साफ सुथरा वेजिटेरियन खाना. ठीक है, सो क्या खिलाया जाता है उन्हें, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स एंड पल्स. दिस आर ऑल द वेजिटेरियन फूड्स. तो वो ये सब खाते हैं एंड उनकी ग्रोथ इन्हीं से ही होती है. ठीक है, सो शेपर्ड्स टेक देयर हर्ड्स ऑफ शीप टू द कंट्री साइड. अब गेजिंग के लिए वो कंट्री साइड थोड़ा कंट्री से दूर ले जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, सो दैट उनकी अच्छे से देखभाल हो सके. ठीक है, लेट्स मूव ऑन और आगे देखते हैं कि क्या है हमारे स्टेप्स. फिर जब ये सब हो जाता है, सो ब्रीडिंग ऑफ द शीप इज डन टू ऑब्टेन सच ब्रीड्स ऑफ शीप विच यील्ड गुड क्वालिटी. जो हमने बात देखी अभी कि पेरेंट्स चूज करे जाते हैं और फिर उन्हीं के ऑफस्प्रिंग से हम उनको गुड क्वालिटी वूल निकालते हैं. ठीक है, तो दीज ब्रीड्स ऑफ द शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी एंड आर कॉल्ड शीप ऑफ द गुड ब्रीड्स. दिस राइजेस एंड द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द वूल प्रोड्यूस. Once the shed sheep has developed a thick coat of hair, the hair is shaved off for getting the wool. Now what happens is simple process hai. If we want the wool, agar hame production karna hai, so hame wait karna padega taki jo maximum hair growth hai na wo ho jayega. Jab ek bar maximum hair growth ho jayegi, then we'll do the rearing. Theek hai? Uske baad sorry, then we'll do the shaving part. Tab hum unhe shave karenge. Theek hai? Jab thick hair jo highest growth ho sakti hai, jab wo ho jayegi, tab hum karenge unki शेविंग. और होता क्या है, शेविंग करते हुए ना एक हल्की सी डेड स्किन भी उनकी निकल जाती है साथ साथ. जब हम काफ़ी डीप शेव करते हैं तो जो उनकी ऊपर की स्किन होती है डेड स्किन, उन्हें पेन नहीं होता क्योंकि वो डेड स्किन है तो उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. डेड स्किन भी साथ में निकलती है फाइबर्स की. ठीक है, सो द कट ऑफ वूल कोट आपका जो है शीप का अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड द फ्लीस. उसे हम कहते हैं फ्लीस. ठीक है, द फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वुलन फाइबर्स. द फ्लीस ऑफ द शीप इज यूजुअली केप्ट इन वन पीस. व्हाट हैपेंस इज जो थिन लेयर साथ में रखी है उसको फिलहाल अभी साथ में ही रखा हुआ है. एंड जो थिन लेयर है उनकी स्किन की, डेड स्किन की, और जो ऊपर उनकी जो वूल है ठीक है वो साथ में मिला के हम क्या कहते हैं उसे, फ्लीस. जो स्किन कटी है उसे हम कहते हैं फ्लीस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फाइबर्स इन टू द वूल. ठीक है, गिव मी अ मिनट लेट मी चेक. ओके, ओके, सो सॉरी अबाउट दिस. सो प्रोसेसिंग ऑफ द फाइबर्स इनटू वूल. हम थे कि प्रोसेस के स्टेप्स क्या है मैम. ठीक है, सबसे पहले फ्लीस निकाल दिया, शीप का शेविंग कर दी. ठीक है, विद अ थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. दिस प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग. जो आपका प्रोसेस है शेविंग का उसे हम शेयरिंग कहते हैं. एंड द हेयर ऑफ द शीप आर शेव्ड ऑफ बाई यूजिंग अ योर मशीन. जो एप्लीकेटर्स होते हैं, जो भी वो बार्बर जैसे यूज करते हैं, ऐसे उनको भी शेव किया जाता है. और उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग. ठीक है, दिस इज द स्टेप वन. स्टेप टू देखते हैं. स्टेप टू है आपका, द फ्लीस ऑफ द शीप और कट द हेयर ऑफ द शीप कंटेन्स डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वेट या ग्रीस. ठीक है, अब ऑफकोर्स बिल्कुल रॉ निकाला है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही प्रेजेंट, चाहे डर्ट हो चाहे स्वेट हो, कुछ ना कुछ तो है. वी हैव टू क्लीन दैट अप. ठीक है, साफ सुथरा वूल चाहिए अगर हमें मार्केट में लेके आना. तो ऑफकोर्स एक स्टेप तो हो गई जब क्लीनिंग होगी सोप या डिटर्जेंट से. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग. ठीक है, उसे हम कहते हैं स्कोरिंग. यहाँ पर दिख रहा है, सो यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स. यहाँ पर मैंने दो प्रोसेस को हाईलाइट करा है. वन इज रिमूविंग द स्किन. ठीक है, दैट इज शेयरिंग. एंड वन इज क्लीनिंग दैट अप, दैट इज स्कोरिंग. आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर थ्री,
जब क्लीन हो जाए उसके बाद आपको सॉर्ट करना है. सॉर्ट मतलब इन दी मतलब जो कौन से टाइप का फाइबर हमें मिला है, फाइन मिला है, कोर्स मिला है, लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग फाइन हेयर एंड कोर्स हेयर, राइट. उनको अलग करना होता है, दो टाइप के आते हैं ना फाइबर्स, कोर्स हेयर एंड फाइन, उसको सॉर्ट करना होता है. दैट विल बी स्टेप नंबर थ्री. जब एक बार क्लीन हो गए सारे फाइबर्स, उनको सॉर्ट करना, सॉर्टिंग मटीरियल्स वैसे ही, ठीक है. सो वेदर दे आर फाइन, कोर्स या लॉन्ग या शॉर्ट, दैट इज नोन एज सॉर्टिंग. तो फोर्थ स्टेप है हमारा सॉर्टिंग. नाउ आपका सॉरी थर्ड स्टेप दैट विल बी सॉर्टिंग. फोर्थ आपका है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो है उनके, जो छोटे छोटे ब्लर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी पिक करा जाता है. एंड जो फिफ्थ स्टेप है आपका वो ये है कि अब डाई करना है. अब आपको चाहिए अलग अलग कलर्स. आपको वूल सिर्फ व्हाइट तो चाहिए नहीं या स्किन कलर तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए अलग अलग कलर्स. अब उसको डाई तो करना ही है अलग अलग कलर्स के लिए, तो वो है आपका फिफ्थ स्टेप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइबर्स को थोड़ा कॉम किया जाता है, जैसे हम अपने बाल कॉम करते हैं, ठीक है. उसको थोड़ा स्ट्रेटन किया जाता है, थोड़ा सा सुलझाया जाता है, सो दैट वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड टू यार्न एंड फैब्रिक, फैब्रिक में जा सके, ठीक है. सो यार्न एंड फैब्रिक में जाने से पहले ये प्रोसेस होता है टू ऑब्टेन द वूल. देयर आर सिक्स स्टेप्स, प्लीज 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 नोट इट डाउन एंड इसी को रिवाइज करना, ठीक है. ओके, सो कंक्लूजन यही हुआ कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, बॉडी से शेयर किया, पहले शेव किया है, ठीक है, फिर स्कोर किया है उसको, ठीक है, क्लीन किया है, सॉर्ट किया है, डाई किया है, कोम किया है, और फिर उसको फैब्रिक के लिए ले गए. सो शेयर्ड, स्कोर्ड, शॉर्टेड, डाइड, कोम्ब एंड स्पन, सो दैट इट कैन रीच अप टू योर फैब्रिक वाला मटीरियल, ठीक है. सो दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ द वूल प्रोडक्शन. लेट्स मूव ऑन. ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या हो सकता है? अब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल पार्ट, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो सॉर्ट कर रहे हैं ना फाइबर्स को, दे आर सॉर्टिंग इट. इनको हम कहते हैं सॉर्टर्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉर्टर्स, ठीक है. इन्हें हम कहते हैं सॉर्टर्स. लेट मी ड्रिंक सम वाटर. ओके, सो इन्हें हम कहते हैं सॉर्टर्स. ओके, व्हाट इज हैपनिंग इज कि सॉर्टर्स का काम था सॉर्ट करना कि कौन से फाइन हेयर है, कौन से कोर्स हेयर है, राइट. ये सब था उनका काम. अब चीज क्या है, ये रिस्की क्यों है मैम? होता क्या है, वो रॉ फाइबर्स है, क्लीन तो कर दिया गया, स्टिल कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज है वो रह जाते हैं, राइट. सो वो रिस्की होते हैं फॉर द सॉर्टर्स. तो इन्हें हम कहते हैं सॉर्टर डिजीज, या किसे एंथ्रैक्स को कहा जाता है, सॉर्टर्स. ये है एंथ्रैक्स, ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया, एंड सॉर्टर्स डिजीज हम उसे कहते हैं. बैक्टीरिया का दूसरा नाम है बेसिलियस एंथ्रासिस, से हम शॉर्ट में कह रहे हैं एंथ्रैक्स, ठीक है. मैं वर्ड बता देती हूँ आपको, एक मिनट. दिस इज द वर्ड, दिस इज द बैक्टीरिया, और उसका ओरिजिनल नाम है बेसिलियस एंथ्रासिस, ठीक है. सो ये वाला बैक्टीरिया अगर पाया जाता है तो उसका जो उस डिजीज का नाम है उसे हम कह रहे हैं सॉर्टर्स डिजीज, क्योंकि सॉर्टर्स को हो रही है ये सब. सो व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको दिखाती हूँ कि होता क्या है, बेसिकली क्या होता है अगर हमें, अगर ये चीज हमारी एनिमल से ह्यूमन के तरफ फैल गई तो क्या होगा. तो इस बैक्टीरिया से कुछ ऐसा होता है, यू कैन सी कि अजीब से स्किन में प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से. काफ़ी रेड स्पॉट्स होने लग जाते हैं ब्लड के, एंड वहीं पर आइज में भी होता है इफेक्ट, स्किन में बहुत ज़्यादा होता है. दीज आर द हजार्डियस व्हाट आई कैन से इफेक्ट्स ऑफ एंथ्रासिक्स डिजीज. ओके, लेट्स मूव ऑन. द सेकेंड थिंग वॉज सिल्क वॉर्म. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म, और कैन से सिल्क मॉथ, ठीक है. सो बेसिकली जो हमारा सिल्क है उसका स्मूथ होता है जिसको हम यूज करते हैं. वन इज योर नेचुरल सिल्क एंड द अदर वन इज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है. दैट इज मच मच चीपर बिकॉज हमने बनाया उसे, बट नेचर से निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है. लेट्स सी कि ऐसा क्यों है. सो फर्स्ट स्टेज जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जो सिल्क मॉथ है, सबसे पहले होता क्या है आपका, सबसे पहले होता है कि वो देंगी एग्स. एडल्ट मॉथ होगी आपकी, मलबरी लीव्स में जाके एग्स देंगी.
फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, फिर वो आपका कुकून होगा, आपका प्यूपा में कन्वर्ट होगा, देन वो दोबारा से एडल्ट मॉथ बनने से पहले ही हम उससे सिल्क ले लेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ सिल्क में पहले बात करते हैं, कैसे कैसे टाइप्स हैं आपके। टेसर सिल्क है आपका, कोसा सिल्क है, मोगा सिल्क है, दे आर ऑल ऑप्टेन फ्रॉम द कुकन्स। मेथड वही है बट अलग अलग सोर्सेज है, इसलिए अलग अलग आपको सिल्क टाइप्स बहुत सारे मिलते हैं। आई हैव हाईलाइटेड द टाइप्स ऑफ सिल्क। ठीक है, सो यस, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो होता है ना वो होता है मलबरी वाला, जो मलबरी लीव्स खा के बना होता है। लस्टरस होता है, काफ़ी शाइनी होता है, इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो है मलबरी सिल्क। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब लेट्स टॉक अबाउट द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। तो रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स में होता क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एग्स हैं आपके सिल्क मॉथ के, वो एडल्ट है ऑलरेडी, शी विल गिव द एग्स। मलबरी लीव्स के ऊपर वो एग्स देंगे। ठीक है, ये रहे आपके एग्स यहाँ पर। ठीक है, सो केयरफुली, ये होता क्या है कि इनको पेपर क्लॉथ में, अब हम बात कर रहे हैं रेयरिंग, हम कर रहे हैं काम। ठीक है, दैट इज योर सेरिकल्चर। सेरिकल्चर की हम बात करें, इसका नाम क्या है, सेरिकल्चर। सो ये पेपर एक क्लॉथ में जो अंडे होते हैं उनको फार्मर्स को दे दिए जाते हैं, मतलब एंड सोल्ड टू द सिल्क वॉर्म फार्मर्स। एंड फार्मर्स क्या करते हैं, दे कीप द एग्स वेरी हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, उन्हें सूटेबल टेम्परेचर भी दिया जाता है कि एक टेम्परेचर ही झेल सकते हैं, वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकते। फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर वो हैच होने लग जाता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये बैम्बू ट्रेज भी यूज़ करते हैं एंड 25 से 30 दिन बाद तो सिल्क वॉर्म ग्रो करने लग जाता है बाय ईटिंग द मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स खाने के बाद वो रुक जाता है एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग द कुकून अराउंड इट। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है अंडे को कैसे वो देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल सेरिकल्चर। ठीक है, सो एज यू कैन सी द हेल्दीएस्ट मॉथ जो होती है, सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट मॉथ होती है, उनको चूज करा जाता है, वो अंडे देती है मलबरी लीव्स में, वो देती है अंडे मलबरी लीव्स में। ध्यान से सुनना। ठीक है, सो द लार्वा दैट इमर्ज वंस द एग्स हैच एंड फेड द मलबरी लीव्स। अब होता क्या है, वो अंडे ग्रो कर रहे हैं लार्वा में, किस में ग्रो कर रहे हैं आपके लार्वा में, और वो क्या करते हैं, वो फीड करते हैं 20 से 35 डेज तक वो खाते रहते हैं मलबरी लीव्स। उसके बाद वो रुक जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्यूपा में, नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, सो उस टाइम क्या करते हैं, वो अपने आसपास ना कुकून बनाने लगते हैं, दे स्टार्ट स्पिनिंग, जो फाइबर है दे स्टार्ट स्पिनिंग, ऐसे करके वो स्पिन करने लगते हैं अपने आसपास। अब अंदर प्यूपा है जो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होगा बाद में, बट उसके आसपास फाइबर है, कुकून जिसे हम कह रहे हैं। तो व्हेन द सिल्क वॉर्म इज अबाउट 35 डेज ओल्ड, स्टार्ट स्पिनिंग अ कुकून अराउंड इटसेल्फ एंड द प्रोसेस टेक्स, जो कुकून है उसको 3 से 7 दिन लगते हैं। कुकून को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 3 से 7 दिन। उसके बाद फटाफट हम क्या करेंगे, गर्म पानी में उन्हें रखेंगे ताकि कुकून उन्हें अलग हो जाए। और कई बार क्या होता है, जो अंदर का इंसेक्ट है उसको मार दिया जाता है, या ये होता है कि कुछ को रख लिया जाता है और वो एडल्ट मौत वही एग्स दे रही होती है बाद में। ठीक है, सो इसको हमें क्या करना है, सुलझाना है। ये कुकून बना हुआ है एक, तो उसे हम सुलझाना है सो दैट वी कैन गेट आवर सिल्क फाइबर। ठीक है, सो हम व्हील की हेल्प से क्या करेंगे, उन्हें सुलझाएंगे और ये रहा आपका कुकून। और फिर यान और फिर फैब्रिक को प्रोसेस तो आपको पता ही है। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर, और इससे ऐसे ही हम सिल्क मॉथ से लेते हैं। ठीक है, चलिए, सो इतना ही था आपका। आई होप आपको समझ आया है सिल्क और वूल के बारे में, जो क्या प्रोडक्शन है, क्या है सेरिकल्चर, और क्या था हमारा एनिमल वूल का प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपका, फाइबर से यान और यान से फैब्रिक जा रहा है एंड यू जस्ट ट्विस्टिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द फैब्रिक, अब हमारे बहुत सारे फाइबर्स आ चुके हैं, तो बेसिकली क्या होगा, हम उसे सुलझाने के बाद यान की तरफ जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज स्पिनिंग। और जैसे कि मैंने आपको बोला, फिर आता है आपका स्पिनिंग, जब यान बन गया उसके बाद हम फैब्रिक की बात करेंगे, वन विल बी वीविंग एंड द अदर वन विल बी निटिंग। तो होता क्या है कि वीविंग में तो 90 डिग्री एंगल पे दो यान लिए जाते हैं और 90 डिग्री एंगल पे उन्हें वीव किया जाता है, दैट इससे हमारा जो अलग फैब्रिक बनेगा दैट विल बी वीविंग। वीविंग वाले मेथड से फैब्रिक जब बनता है तो दो यान 90 डिग्री एंगल पे वीव करे जाते हैं। और जब हम निटिंग की बात करते हैं तो निटिंग में एक ही यान से हम निट कर देते हैं, हाथों से भी करा जाता है इनफैक्ट।
ठीक है, दैट इज योर निटिंग. जो काफी ज्यादा हमारे घरों में स्वेटर्स बनाए जाते हैं, दैट इज फ्रॉम द निटिंग प्रोसेस. ठीक है, तो आई होप आपको काफी समझ आया हो. थैंक यू सो मच. एंड आपको एक और अनाउंसमेंट बतानी थी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में. आपको अगर नहीं पता तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं. लाइव क्लास के लिए आपको कंफर्ट दिया जाता है कि घर से पढ़ सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अनलिमिटेड एक्सेस, जितना मर्जी देखो जितनी बार देखो. ठीक है, टॉप एजुकेटर्स चूज करे जाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए. एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग होता है सो दैट आपका कभी भी डाउट मिस ना हो. एग्जॉस्टिव कवरेज है सो दैट आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो. स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो. प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है एंड बैच कोर्सेज है. दीज आर ऑल इन द प्लस सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको प्राइसेस बता दूँ. 3 months, 6 months, 12 months आपका जितना मन करे आप ले सकते हो. बेस्ट इज 12 months ताकि एक महीना आपका कोई ब्रेक ना आए. एंड आप पर मंथ देख सकते हो, उतना कम भी पड़ता है आपको. प्लस यू कैन यूज माई कोड, दैट इज SM Rana मेरा कोड है. यू कैन यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ एनी टाइम. ठीक है, दिस इज माई कोड. एंड अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आइकॉनिक के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि जितने प्लस के फीचर्स हैं आपके उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लो आइकॉनिक के. आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है सो दैट 1-on-1 गाइडेंस मिले आपको. लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा आपको, उसी वन तुरंत आपको सॉल्विंग मिल जाएगा सब कुछ जो आप सॉल्व करना चाहते हो, कोई भी डाउट है आपका. ठीक है, वीकली रिपोर्ट मिलती है सो दैट यू गेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी, कितनी नहीं, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी. पेरेंट्स का कनेक्शन रहेगा एंड स्टडी प्लानर आपको सब कुछ मिलेगा. दिस विल बी इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसके भी प्राइसेस आप देख सकते हो और यहाँ पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच. डू लाइक द वीडियो, शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सेशन. लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी. बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.